नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए नजर डालते हैं अब तक के मुख्य समाचारों पर। बीदर के शरण विधान मंडप में विस्तार कन्नड़ न्यूज चैनल के बीदर जिला स्तर के यूनिट का उद्घाटन समारोह किया गया आयोजित। विधायक रहीम खान के अलावा दूसरे रहे उपस्थित। कांग्रेस के कर्नाटका इकाई के कार्यकारी अध्यक्ष व भालकी के विधायक ईश्वर खंडरे और बीदर के विधायक रहीम खान ने बीदर के ब्रिम्स अस्पताल का दौरा करके निरीक्षण किया। ताजमहल की दीवार से 500 मीटर दायरे में फिलहाल दुकानें नहीं हटेंगी, सुप्रीम कोर्ट ने दी अंतरिम राहत। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शिवसेना नेता संजय रावत को मिली जमानत, 3 महीने बाद आएंगे जेल से बाहर। एम्बुलेंस को रास्ता देने के लिए पीएम मोदी ने रोका काफिला, कांगड़ा के सामने आया वीडियो। पीएम नरेंद्र मोदी शुक्रवार को करेंगे बेंगलुरु के केंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का शुभारंभ। अब समाचार विस्तार से। बीदर के शानो विधान मंडप में विस्तारा कन्नड़ न्यूज चैनल के बीदर जिला स्तर के यूनिट का उद्घाटन समारोह किया गया आयोजित। इस अवसर पर दीप जलाकर समारोह का उद्घाटन किया गया। इस उद्घाटन समारोह में बीदर के विधायक रहीम खान, वरिष्ठ पत्रकार शिव शरणप्पा वाली, सुरेश चंद शेट्टी, बुढ़ा अध्यक्ष बाबू वाली, जेडीएस युवा नेता ख्वाजा शेख विजय कुमार सुनारे मुख्य अतिथि रहे। इस अवसर पर स्कूलों के विद्यार्थियों ने भाग लिया। इस अवसर पर सभी अतिथियों का सम्मान किया गया। सभी मुख्य अतिथियों ने इस चैनल के शुरू होने पर चैनल के जिम्मेदारों को शुभकामनाएं दी। बताते चले कि विस्तारा कन्नड़ न्यूज चैनल एक सैटेलाइट चैनल है, जिसका कुछ दिन पहले बेंगलुरु में मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के हाथों उद्घाटन किया गया है। केपी न्यूज के संवाददाता असलम खान की रिपोर्ट। बहुत चेनाली सुद्धि हिंदे श्रम इतने अदर हिंदे पिश्रम पिश्रम नम जंगल जनरल पद के अर्थ श्रम वह जर्नलिस्ट गए विश्वास नम राज्य नम राष्ट्रीय उन्नत प्रसार केंद्र चैनल राष्ट्र मटदेश राज्य मटदेश ಪ್ರಖ್ಯಾತಿ ಹೊಂದಿದೆಯೋ ಅದೇ ರೀತಿ ವಿಸ್ತಾರ ಚಾನಲ್ ಕೂಡ ಪ್ರಖ್ಯಾತಿ ಹೊಂದಿದೆ। कांग्रेस के कर्नाटक इकाई के कार्यकारी अध्यक्ष व भालकी के विधायक ईश्वर खंडरे और बीदर के विधायक रहीम खान ने बीदर के ब्रिम्स अस्पताल का दौरा करके निरीक्षण किया। ईश्वर खंडरे ब्रिम्स अस्पताल की खराब कंडीशन पर अधिकारियों पर भड़के। ब्रिम्स अस्पताल में मरीजों को सही इलाज नहीं मिल रहा है, सैनिटेशन का काम पूरी तरह से खराब हो चुका है, बिल्डिंग में हर जगह से पानी लीक हो रहा है, शौचालय की सुविधा बिल्कुल खराब हो चुकी है, सौर प्रणाली भी काम नहीं कर रही है और सबसे बड़ी बात यह है कि अस्पताल में अग्निशमन प्रणाली का अभी तक कनेक्शन नहीं किया गया है। अगर आग लगती है तो काफी नुकसान हो सकता है। इनके अलावा और भी अन्य समस्याओं को देखते हुए ईश्वर खंडे ने अस्पताल के अधिकारियों को आड़े हाथों लिया। इसके बाद इन्होंने मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग का भी दौरा किया और सभी अधिकारियों के साथ मीटिंग की। इस अवसर पर एडीए शिव कुमार शिलवंत, ब्रिम्स अस्पताल के निदेशक शिव कुमार शेटकार और सभी ब्रिम्स अधिकारी व डॉक्टर उपस्थित रहे। केपी न्यूज के संवाददाता असलम खान की रिपोर्ट। बीदर वैद्यकीय विज्ञान संस्था आरोग्य इलाके बीदर जिलाधिकारी जो उपस्थित परिवीक्षण आगे परिवीक्षण कामगारी हण बिगड़े अंत तीर्मान ಆದರೆ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಹಿಂದಿನ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಗಮನಕ್ಕೂ ತರದೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರದೆ ಅವರವರೇ ಬಂದು ಒಂದು ವರದಿಯನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಹಣ ಪಾವತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇದು ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗಿಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿ ಇದೆ, ಈ ಸಮಿತಿಯವರು ವರದಿ ತೃಪ್ತಿಕರವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ।
ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಈ ಸಲ ನಾವು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯನಾಗಿ ಈ ವಿಷಯ ಪುನಃ ನಾನು ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾವು ಇವರಿಗೆ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ। ताजमहल की दीवार से 500 मीटर के दायरे में सभी व्यापारी गतिविधियां बंद करने के मामले में ताज पश्चिमी गेट मार्केट एसोसिएशन को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम राहत मिली है। 500 मीटर दायरे में फिलहाल दुकानें नहीं हटेंगी। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से सैकड़ों कारोबारियों को अंतरिम राहत मिली है। आपको बता दें कि 27 सितंबर 2022 को ताजमहल के 500 मीटर दायरे में आने वाली दुकानों को हटाने के आदेश हुए थे। कोर्ट ने आगरा विकास प्राधिकरण को अपने निर्देश का अनुपालन करने के लिए कहा था। एक याचिका में यह मांग भी की गई थी कि इसी आदेश के खिलाफ कारोबारियों ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। इससे पहले आगरा में ताजमहल के आसपास निर्माण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अहम आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने ताज संरक्षित क्षेत्र में सभी तरह के निर्माण और औद्योगिक गतिविधियों पर लगी रोक हटा दी थी। कोर्ट ने ताजमहल के आसपास बुनियादी सुविधाओं, प्रदूषण न फैलाने वाली गतिविधियों की इजाजत दी थी, लेकिन कहा है कि इन सब के लिए सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी से इजाजत लेनी जरूरी होगी। शिवसेना नेता संजय रावत को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कोर्ट की ओर से बुधवार को जमानत दे दी गई। ईडी की ओर से 1 अगस्त को गिरफ्तार किए गए संजय रावत को 3 महीने बाद जमानत मिली है। संजय रावत को 2 लाख के मुचलके पर जमानत दी गई है। एएसजी ने फैसले पर स्टे की मांग की है। उन्होंने कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील करने के लिए समय मांगा है। कोर्ट ने जैसे ही संजय रावत को जमानत का ऐलान किया, उनके समर्थकों ने तालियां बजाई। कोर्ट ने 21 अक्टूबर को जमानत याचिका पर दोनों ओर की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। ईडी ने उपनगरीय गोरेगांव इलाके में पात्रा चौल के पुनर्विकास में वित्तीय अनियमितताओं में कथित भूमिका के लिए इस साल राज्यसभा सदस्य संजय रावत को गिरफ्तार कर लिया था। उन्हें कोर्ट की ओर से न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल प्रदेश चुनाव के प्रचार के लिए लगातार रैलियां कर रहे हैं। आज उनके देवभूमि हिमाचल में कई कार्यक्रम हैं। इस बीच एक चुनावी रैली से पहले बुधवार को पीएम नरेंद्र मोदी का काफिला कुछ देर के लिए रुक गया। यह घटनाक्रम कांगड़ा में देखने को मिला, जहां पर एक एम्बुलेंस को रास्ता देने के लिए पीएम मोदी ने खुद अपना काफिला रुकवा दिया। हिमाचल प्रदेश में आज हमीरपुर की रैली से पहले पीएम मोदी ने सभा स्थल पर जाते समय लोग उस समय हैरान रह गए जब पीएम मोदी का काफिला अचानक रुक गया। इस हिमाचल यात्रा के दौरान पीएम मोदी का मानवीय रूप एक बार फिर देखने को मिला। आपको बताते चले कि यह कोई पहला मौका नहीं था जब पीएम ने किसी एम्बुलेंस को रास्ता देने के लिए अपना काफिला रुकवाया हो। पिछले महीने भी एक ऐसा घटनाक्रम सामने आया था, तब पीएम मोदी गुजरात दौरे पर थे। उस दौरान भी उन्होंने एक एम्बुलेंस को रास्ता देने के लिए ऐसा ही आदेश दिया था। तब बीजेपी की गुजरात इकाई ने एक बयान में कहा, अहमदाबाद से गांधीनगर जाते वक्त एम्बुलेंस को रास्ता देने के लिए पीएम मोदी का काफिला रुक गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 नवंबर को कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के भव्य टर्मिनल 2 का उद्घाटन करेंगे। इसका निर्माण 5000 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट के दूसरे टर्मिनल के शुभारंभ के बाद चेक इन और इमिग्रेशन काउंटर की संख्या दुगनी हो जाएगी। इसके साथ ही एयरपोर्ट की यात्री हैंडलिंग क्षमता मौजूदा 2.5 करोड़ से बढ़कर 5 से 6 करोड़ हो जाएगी। नए टर्मिनल से देश के सिलिकॉन वैली के नाम से मशहूर बेंगलुरु की हवाई सुविधाओं में जबरदस्त इजाफा होगा। नए टर्मिनल का निर्माण 5000 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। टर्मिनल 2 को गार्डन सिटी ऑफ बेंगलुरु के यादगार स्वरूप में डिजाइन किया गया है। यहाँ पहुँचने पर यात्रियों को किसी बगीचे में टहलने जैसे अनुभव मिलेंगे। यात्री 10,000 वर्ग मीटर से ज्यादा की हरी दीवारों, हैंगिंग गार्डन और बाहरी उद्यानों से होकर गुजरेंगे। इन उद्यानों को स्वदेशी तकनीकी का उपयोग करके भारत में ही तैयार किया गया है। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद, 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवाल और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर
recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज शाहपुर गेट बीदर। फोन नंबर्स 9945283920 8482129। दुनिया में शिक्षा का बड़ा महत्व है। जीवन में आगे बढ़ने और सफलता हासिल करने के लिए अच्छी शिक्षा की जरूरत होती है। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र है ज्ञान सुधा एजुकेशन सोसाइटी की ओर से चलाए जाने वाला ज्ञान सुधा डिग्री कॉलेज फॉर आर्ट्स साइंस एंड कॉमर्स बीदर, जहां पर बीए के साथ साथ यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस, केपीएससी, केएएस और बीकॉम के साथ फाउंडेशन क्लासेस फॉर सीए बैंकिंग एग्जाम ट्रेनिंग और बीएससी के साथ साथ रिसर्च ओरिएंटेड टीचिंग की सुविधा उपलब्ध है और इन सभी के लिए एडमिशन शुरू हो चुके हैं। सही माहौल में और बेहतर शिक्षकों से शिक्षा और ज्ञान प्राप्त करने के लिए आज ही एडमिशन लें। याद रखें, ज्ञान सुधा एजुकेशन सोसाइटी की ओर से चलाया जाने वाला ज्ञान सुधा डिग्री कॉलेज फॉर आर्ट्स साइंस एंड कॉमर्स बीदर। इसके साथ ही ज्ञान सुधा कॉलेज ऑफ नर्सिंग बिदर में भी एडमिशन खुल गए हैं। शिवनगर बिहाइंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बिदर। कॉन्टेक्ट नंबर 9880004034। बिदर शहर में वैसे तो कई होटल्स हैं, मगर क्या आपको मालूम है कि बिदर में एक शानदार 3-स्टार होटल भी है? जी हाँ दोस्तों, बिदर में अब 3-स्टार होटल ओपन हो गई है। बीदर से जनवाड़ा रोड पर खुले वातावरण और सुखद पर्यावरण में अपनी बेहतर सर्विस से ग्राहकों का मन मोह लेने वाली वाइब होटल्स, जहां पर इंडियन, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल और साउथ इंडियन खाना कम कीमत पर उपलब्ध है। वही फूड क्वालिटी वो सब वगैरह अच्छा है और कॉकटेल के लिए फैमिली सब आ सकते हैं। क्वालिटी भी अच्छा है और दे शुड कम एंड टेस्ट द फूड and the prices are normal, it is not high and all. Bidar alli first time 3 star hotel tumbha chanaga anstha ide, family barlakke chanagide, places chana vatavaran ide. Sath hi yahan par Bidar barbecue restaurant, full side restaurant aur Sasya naam se veg restaurant ke alawa bar, gym, swimming pool, 1500 logon ke liye open lawn, 100 लोगों के लिए बैंक्वेट हॉल मौजूद है और यहाँ पर सूट रूम्स के अलावा डिलक्स रूम भी उपलब्ध हैं, जिनमें सभी प्रकार की सुविधा है। वाइब होटल्स के मालिक राजू मालवे हैं। विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट भोजन और यहाँ पर उपलब्ध रूम्स में रहने का आनंद उठाने के लिए एक बार ज़रूर चले आइए। वाइब 3-स्टार होटल जो ओपन हुई है, यहाँ पर मैं 2-3 बार आया हूँ और यहाँ का टेस्ट भी बहुत अच्छा है, सभी रीजनेबल हैं यहाँ पे रेट्स वगैरह। याद रखिए, वाइब होटल्स, जहाँ आप एक बार आएंगे तो बार बार आना पसंद करेंगे और यहाँ के स्वादिष्ट भोजन आपका मन मोह लेंगे। याद रखिए, बिदर ज़िले की एकमात्र 3-स्टार वाइब होटल, जनवाड़ा रोड, नवदगिरी, बिदर, कर्नाटक। कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं नूतन हेगड़े होटल GM 9606027120। नमस्ते, मेरा नाम नूतन है और हम लोग राजू मिलगे साहब ने बीदर में एक अच्छे से 3-स्टार होटल ओपन किया है। अभी ग्रेट डेस्टिनेशन होटल्स एंड रिजॉर्ट्स मैनेजमेंट कंपनी के लिए रन करने के लिए दिया है। बीदर का क्राउड के लिए क्या चाहिए, क्या ज़रूरत है, इसका हिसाब से हम लोग होटल को प्राइसिंग भी किया है। और है कि हमारा प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट, साउथ इंडियन रेस्टोरेंट, सस्या वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है और होटल में आपको स्विमिंग पूल है, जिम है और बहुत कुछ जो जो चाहिए आपको फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। तो आपको मॉर्निंग वॉक के लिए भी जा सकते हैं, उतना जगह है इधर सब। तो प्लीज़ सब लोग एक बार आके हमारा खाना और हमारा सर्विस, रूम्स एंड हॉस्पिटैलिटी को एंजॉय करके आपका सपोर्ट देने के लिए चाहते हैं। रिसेप्शन का नंबर है 8482460982। ईमेल reservations.b@vibehotels.com और वेबसाइट है www.vibehotels.com।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं अन्य समाचार। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2022 की सरगर्मियां अपने चरम पर हैं। विभिन्न दलों के स्टार प्रचारक लगातार जनता से पार्टी के पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। साथ ही राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप और दावों का दौर भी चल पड़ा है। इसी क्रम में भाजपा के दिग्गज नेता और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बड़ी भविष्यवाणी की है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी कभी भी सत्ता में नहीं आएगी। उन्होंने आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल की रेवड़ी पॉलिटिक्स पर भी तंज कसा है। नितिन गडकरी ने कहा कि जिनके सरकार में आने की संभावना न के बराबर है, वे कुछ भी वादे कर सकते हैं। अरविंद केजरीवाल ने हिमाचल प्रदेश और गुजरात में कई वादे किए हैं। इस बाबत पूछे जाने पर नितिन गडकरी ने कहा, वे लोग जिनके सत्ता में आने की संभावना है ही नहीं, वे कुछ भी वादे कर सकते हैं। उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी ने जो वादा किया है उसे पूरा किया है। पिछले 8 वर्षों में सड़क निर्माण की दिशा में जितना काम किया गया है उतना 65 वर्षों में नहीं हुआ। बीजेपी के दिग्गज नेता ने इस दौरान देश की राजधानी दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति और उससे निपटने के लिए केंद्र की ओर से उठाए गए कदम की भी चर्चा की। सीमा सुरक्षा बल ने पंजाब के फिरोजपुर सेक्टर में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर एक पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया है। जानकारी के अनुसार बीएसएफ ने कल रात 11:25 पर पाकिस्तान की ओर से भारतीय इलाके गंडू इलाके में घुसपैठ कर रहे संदिग्ध ड्रोन को मार गिराया। बीएसएफ ने देखा कि ड्रोन भारतीय सीमा में घुसपैठ कर रहा है, जिसके बाद तुरंत फायरिंग करते हुए ड्रोन को गिरा दिया गया। वही सुबह होते ही तलाशी ली गई और इस दौरान पता चला कि ये हेक्साकॉप्टर ड्रोन है। जांच में बीएसएफ ने पंजाब पुलिस की मदद भी की। उत्तर प्रदेश के बिजनौर के थाना कोतवाली शहर में स्थित विवेक कॉलेज में बीएएमएस के छात्र छात्राओं ने कॉलेज प्रशासन पर जबरन अवैध वसूली करने का गंभीर आरोप लगाते हुए हंगामा किया। इस अवसर पर सभी छात्र और छात्राओं ने कॉलेज प्रशासन के खिलाफ नारे लगाए। बिजनौर से केपी न्यूज के संवाददाता शादा बिदरसी की रिपोर्ट। उनकी समस्या ये है, वो बीएएमएस के सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के छात्र छात्राएं हैं। उनके कुछ पेपर में सप्लीमेंट्री आई, बैक आई है, फेल हुई। उनका मानना यह है कि वो फेल नहीं होने चाहिए थे, वो कॉपी में लिखे। बच्चे धरना प्रदर्शन के लिए बैठे, मगर इस बात के लिए धरना प्रदर्शन की कोई आवश्यकता ही नहीं है। विश्वविद्यालय में एक प्रोसेस है, संवैधानिक तरीका है। यदि बच्चे को लगता है कि वो कॉपी में जो लिख के आया है उसके अकॉर्डिंग उसको नंबर नहीं मिलेंगे, तो एक आरटीआई गलती है, जिसमें आरटीआई के साथ एक स्कैन कॉपी मंगाने का प्रोसेस है। बच्चे के पास कॉपी जची हुई मेल पर स्कैन कॉपी आएगी, और यदि बच्चे को लगता है कि बच्चे को जितना वो लिख के आया उसके अनुरूप मार्क्स नहीं मिले हैं, तो वो उसे चैलेंज इवैल्यूएशन में जा सकता है। ये प्रोसेस है, इस प्रोसेस को बच्चों को बता दिया गया था, मगर बच्चे इस बात की गारंटी कॉलेज से चाहते हैं कि वो कॉलेज ये कहे कि साहब आप पास हो जाएंगे, तो ये इस बात की गारंटी कॉलेज नहीं ले सकता। कॉलेज हर बात के लिए बच्चों के साथ है, हर बच्चों के हित के लिए कॉलेज उनके साथ खड़ा है, मगर संवैधानिक तरीके से। असंवैधानिक तरीका कोई भी कॉलेज के माध्यम से, कॉलेज मैनेजमेंट के माध्यम से नहीं किया जा सकता। इन बच्चों की अगर ये डिमांड हो कि हमारी एक्स्ट्रा क्लास लगाइए, तो हमें स्वीकार है, हम उसे लगाएंगे। इन बच्चों की ये डिमांड हो कि सर हम पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कमजोर हैं, इसकी हमें एक्स्ट्रा क्लास लगाइए, हम उसके लिए हमेशा तैयार हैं। मगर ये बच्चे अगर चाहें कि हम इन्हें कोई ऐसा गलत आश्वासन दें कि हम इन्हें पास करा देंगे, तो 2003 से महाविद्यालय संचालित है। ये महाविद्यालय इसी अपने अनुशासन के लिए, अपनी पढ़ाई के लिए जाना जाता है। यहाँ पर ना कभी नकल के सिस्टम की बात की गई है, ना ही कभी नकल का भरोसा भी। गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को राज्य में बड़ा झटका लगा है। यहाँ के तलाल निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस विधायक भगवान भाई डी बराड़ ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर नीमाबेन आचार्य को अपना इस्तीफा सौंपा। इससे पहले कांग्रेस को मंगलवार को एक और बड़ा झटका लगा था। गुजरात कांग्रेस के दिग्गज नेता व 11 बार के विधायक मोहन सिंह राठवा ने अपने बेटों राजू भाई राठवा व रंजीत भाई राठवा ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। वह सभी नेताओं के साथ भाजपा में शामिल हो गए थे। इसके कुछ देर बाद ही इंडियन ओवरसीज कांग्रेस प्रभारी हिमांशु व्यास भी कांग्रेस से इस्तीफा देकर भाजपा में शामिल हो गए। सारण प्रमंडल वाणिज्य कर विभाग के चलन छापेमारी दल प्रभारी ने मंगलवार को मशरक के यदु मोड़ पर प्रिंस हार्डवेयर के सामने खड़े अंबुजा सीमेंट से लदे एक ट्रक को पकड़ लिया। चलन छापेमारी दल की ओर से पकड़े गए ट्रक चालक से सीमेंट के कागजात मांगे। ट्रक चालक के द्वारा कागजात नहीं दिखाने पर सीमेंट से ट्रक को मशरक थाना पुलिस की सुपुर्दगी में दे दिया।
मामले में अधिकारियों ने बताया कि जांच के दौरान सीमेंट लदा ट्रक जब्त किया गया, वही चालक के द्वारा कोई भी कागजात नहीं दिखाया गया, जिससे प्रतीत होता है कि सरकार के टैक्स की चोरी की जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि मशरक के यदु मोड़ पर प्रिंस हार्डवेयर के यहां मंगलवार को ट्रक संख्या BR04A3251 अंबुजा सीमेंट लदा खड़ा था। इसी दौरान चलन छापेमारी दल प्रभारी टीम के साथ पहुंच गए और ट्रक चालक से सीमेंट के कागजात व टैक्स रसीद की मांग की गई। ट्रक चालक की ओर से कागजात नहीं दिखाने पर सीमेंट सहित ट्रक को मशरक थाने ले जाकर पुलिस की सुपुर्दगी में दे दिया गया। छपरा से केपी न्यूज के लिए संत कुमार गोस्वामी की रिपोर्ट। 80 के दशक के रीयूनियन को एक बार फिर बड़े पर्दे पर दिखाया जाएगा। जी हां, आप भी अब तैयार हो जाइए, चार वेटरन एक्टर्स धमाकेदार एक्शन थ्रिलर फिल्म में दिखाई देने वाले हैं। सनी देओल, संजय दत्त, मिथुन चक्रवर्ती और जैकी श्रॉफ। स्टारर फिल्म की शूटिंग शुरू हो चुकी है। मेकर्स की ओर से फिल्म का पहला लुक भी जारी कर दिया गया है, जिसके चर्चे सोशल मीडिया पर जमकर हो रहे हैं। इन सभी सितारों ने अपने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर फिल्म के पहले लुक को फैंस के संग साझा किया है। संजय दत्त ने फिल्म के पहले लुक को शेयर करते हुए इस कैप्शन में लिखा, बाप ऑफ ऑल फिल्म्स, शूट धमाल, दोस्ती बेमिसाल। फिल्म के पहले पोस्टर में आप सनी देओल, संजय दत्त, जैकी श्रॉफ और मिथुन चक्रवर्ती को कैमरे की तरफ देखकर इंटेंस लुक देते हुए देख सकते हैं। मिथुन चक्रवर्ती इसमें एक हाफ स्लीव्स की लेदर जैकेट पहने दिख रहे हैं। इसके साथ उन्होंने कैप लगाई है। उन्होंने माथे पर तिलक के साथ गले में मफलर भी डाला है। बात करें सनी देओल की तो वे ऑरेंज व्हाइट कैदी ड्रेस में दिख रहे हैं। उनके बाल लंबे हैं और उन्होंने माथे पर व्हाइट पट्टी बांधी हुई है। उनके शर्ट पर कैदी नंबर 22 लिखा है। तीसरा लुक संजय दत्त का है। वे सनी के कंधे पर हाथ रखे नजर आ रहे हैं। ब्राउन जैकेट और ब्लैक प्लेन टी शर्ट और जीन्स में एक्टर काफी टेंशन में लग रहे हैं। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर के शरण विधान मंडप में विस्तार कन्नड़ न्यूज चैनल के बीदर जिला स्तर के यूनिट का उद्घाटन समारोह किया गया आयोजित। विधायक रहीम खान के अलावा दूसरे रहे उपस्थित। कांग्रेस के कर्नाटक इकाई के कार्यकारी अध्यक्ष व भालकी के विधायक ईश्वर खंडरे और बीदर के विधायक रहीम खान ने बीदर के ब्रिम्स अस्पताल का दौरा करके निरीक्षण किया। ताजमहल की दीवार से 500 मीटर दायरे में फिलहाल दुकानें नहीं हटेंगी, सुप्रीम कोर्ट ने दी अंतरिम राहत। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शिवसेना नेता संजय रावत को मिली जमानत, 3 महीने बाद आएंगे जेल से बाहर। एम्बुलेंस को रास्ता देने के लिए पीएम मोदी ने रोका काफिला, कांगड़ा के सामने आया वीडियो। पीएम नरेंद्र मोदी शुक्रवार को करेंगे बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का शुभारंभ। केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।